So, कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे साथ है आज रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 नया मॉडल कैमथ वाइट, और जो मेरे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से भेजा गया फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द बाइक। जो वीडियो हम इस पर बना रहे हैं वो एक तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं बाइक के ऊपर। अगर खड़ी बाइक है, मतलब स्टैंड खड़ी हुई है, गियर डाला पहला गियर तो वैसे क्लच छोड़ोगे तो चलेगा, दूसरा गियर खड़ी गाड़ी पे दूसरा गियर डाला तो मूव होगा, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा छठा गियर ट्राई करेंगे खड़ी गाड़ी के ऊपर क्लच छोड़ के बाइक पिकअप करती है, ये टेस्ट करना है एंड चेक अप द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो बने रहना वीडियो के अंदर, स्किप फॉरवर्ड मत करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन खुला कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं लोकेशन के ऊपर और करते हैं इसका ये टेस्ट। एक चीज़ मैं आपको टेस्ट करके दिखाना मांग रहा हूँ कि हिमालयन में आप कौन से गियर पे इस बाइक को उठा लेंगे। अभी तो पहला गियर है, पहले गियर पर तो हमेशा बाइक उठती है, ये दूसरा गियर डाला मैंने, देखते हैं दूसरे गियर पर डायरेक्टली खड़ी बाइक उठती है कि नहीं। ये देखो आराम से उठ गई भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। ये दूसरा गियर था, अब ब्रेक मारूं तो मैंने अब डाला इसके ऊपर तीसरा गियर, ये देखो थर्ड गियर डल गया है। देखें इसको उठा के, ये लो 4000-5000 आरपीएम आराम से मैंने इसको खींचा, मेरे वेट के अकॉर्डिंगली, मैं आई एम ऑन अ हैवियर साइड, मेरा वेट 100+ है, तो आराम से उठ गई बाइक, ठीक है। अब एक बार फिर मैंने खड़ा करा बाइक को, ये मैंने डाला चौथा गियर, आप देख रहे हो चौथा गियर, अगर आपको दिख रहा होगा ये चौथा गियर डल गया है इसके ऊपर। हिमालयन पे कई बारी तो स्क्रीन ही इसकी ऐसी है, ठीक है, ये आइडियल है, तो थोड़ा सा रेव करूं, ये देखो 4000 आरपीएम से ऊपर आराम से चौथे गियर पे उठ गई बाइक, यार क्या बात है, एकदम मैंने खींचा है चौथे गियर पर उठ गई बाइक, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, अमेजिंग, ठीक है। और ब्रेक मारी मैंने, अब ये मैं डाला पांचवा गियर, सो इसमें पांचवें गियर पे डल गई है, आई एम नॉट श्योर वैसे स्क्रीन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाई रैप पे उठाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ज़ीरो पे है और पांचवा गियर बहुत बड़ा वाला, थोड़ा सा इसको आरपीएम बढ़ाऊं। ये देखो पाँचवें गियर पे भाई साहब, ये मैंने क्लच छोड़ दिया, अब छोड़ा है थोड़ा सा क्लच, हल्का सा झटका खाया बगैर पिकअप पकड़ ली है, लेवल पे आ गई 60 की स्पीड, 3500 आरपीएम, क्या बात है। ब्रेक मारी, इसको खड़ा करा मैंने, एंड अब आते हैं टेस्ट करते हैं इसका छठा गियर, मतलब टॉप गियर। तो अगर आपको दिख रहा है इस समय बाइक छठे गियर पे है, ये देख लीजिए, साफ करो, आई एम नॉट श्योर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम है हिमालयन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, छठे गियर पे थोड़ा सा मैं रेस दे रहा हूँ ताकि पिकअप ले ले, छठे गियर पे देखो रेस, थोड़ा क्लच रखा हुआ अपने हाथ में पिकअप देने के लिए, अब मैं इसको पूरा छोड़ दिया है भाई साहब, छठे गियर पे खड़ी बाइक शुरू हो गई, क्या रिफाइनमेंट है इंजन में यार, ज़बरदस्त। बताइए कमेंट सेक्शन में और कोई बाइक में ऐसे मिलती है आपको कि नहीं, मैंने ट्राई करा था हार्ले में पाँचवें गियर पर, बट ये तो छठे गियर पर भी स्टार्ट हो गई खड़ी बाइक, अमेजिंग परफॉर्मेंस, मजा आ गया यार। सो प्यारे भाई, जो आज का वीडियो बना है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के ऊपर, जिसमें हमने करा है एक न्यू टेस्ट, मतलब मीन स्टैंड बाइक, खड़ी बाइक के ऊपर हमने गियर हायर गियर हर गियर को टेस्ट करा के चलता है, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा गियर खड़ी बाइक पे देखिए कि मूव होता कि नहीं। और मेरा वेट ज़्यादा है, हल्के वेट की तो बात अलग है, मेरा वेट ज़्यादा है। एंड कैसा लगा वीडियो, बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है भाई, मैं तो खुद हैरान हो गया, क्या ज़बरदस्त इंजन रॉयल इनफील्ड ने बनाया है, मज़ा आ गया। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज इंजन जो लिक्विड कूल 452 cc का है, अमेजिंग पावर, अमेजिंग पिकअप, मज़ा आ गया। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड के साथ, और कमेंट सेक्शन खुला कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये चीज़ का नहीं पता था। एंड नए हो जाने को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा के घंटे वाले बटन वाले नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है। मिलता है किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।